गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे इन द ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रिंसिपल्स ऑफ गार्डनिंग। देर आर सम प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग, उद्यानीकरण के कुछ सिद्धांत। इफ़ यू विल फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, निश्चित रूप से आप इनको अडॉप्ट करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उद्यान डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज द गार्डनिंग इज ए प्रोफेशनल थिंग्स, इफ यू अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स विच आर आई एम टेलिंग, यू विल गेट ए पीसफुल एंड अट्रैक्टिव गार्डन। व्हाट इज गार्डन? ए गार्डन इज एन आउटडोर लिविंग रूम एंड हैज़ टू बी कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द हाउस। गार्डन जो है एक बाहर एक कमरे से हट के रहने वाला प्लेस है और ये एक तरीके से घर का प्रसार करना है। इट शुड बी एज अट्रैक्टिव एंड कम्फर्ट एंड कम्फर्टेबल एज एनी ऑफ द रूम इन व्हिच लिविंग, जिसमें हम रहते हैं घर उससे भी अपेक्षा ये सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। विदाउट सम प्रीवियस थॉट्स एंड अर्ली प्लानिंग इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अगर आप पहले से इसके कुछ प्लान नहीं बनाते तो इस उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। टू क्रिएट ए प्लीजेंट गार्डन वी हैव टू क्रिएट ए मेंटल पिक्चर ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी आवश्यकता हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें गार्डन का निर्माण करना चाहिए। दिस वी हैव टू सीक इंस्पायरेशन फ्राम वेरियस सोर्सेस, हमें डिफरेंट जो स्रोत हैं उनसे सीखना चाहिए, इंस्पायरेशन गेन करनी चाहिए, इंक्लूडिंग नेचर, प्रकृति से भी हमें कुछ सीखना चाहिए कैसे हम अट्रैक्शन ला सकें गार्डन में। द साइज ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर द गार्डन इज ऑल्सो ए लिमिटेड फैक्टर। व्हाट यू आर सो बी साइज अवेलेबल व्हाट यू आर द साइज एरिया अवेलेबल, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू कवर इट विद, जो भी एरिया हमें अवेलेबल है ये आवश्यक नहीं कि हम बहुत अधिक पौधों को लगाएं। ए होम गार्डन इज नॉट ए बोटैनिकल गार्डन, एक जो घर का उद्यान होता है वो पब्लिक उद्यान नहीं समझना चाहिए, तो घर उद्यान को घर की तरह डेवलप करें। द गार्डन हैज़ टू बी व्यूड एंड एंजॉयड फ्रॉम मोर देन वन एंगल, एक तरफ से ना देख करके जिस तरफ से हम देखें हमें गार्डन अच्छा लगना चाहिए, शुड बी लुक अट्रैक्टिव। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो गार्डन प्लांट्स एंड लर्न गार्डनिंग थॉरली बाई बुक्स, रीडिंग बुक्स एंड जर्नल्स ओनली, केवल किताबों से या पत्रिकाओं से आप गार्डन को बनाना नहीं सीख सकते। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑन द रिस्पॉन्स टू प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रिस्पॉन्स टू प्लांट ग्रोथ विल गिव द प्लेजर इन ग्रोइंग प्लांट्स सक्सेसफुल्ली एंड द कॉन्फिडेंस इन सजेस्टिंग ऑफ अदर्स टू डेवलप ए गार्डन। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सम जनरल प्रिंसिपल माइट प्रूव वेरी यूजफुल टू टैकल प्रॉब्लम्स इन गार्डन एंड अवॉइड कैजुअल्टीज एंड फिलर्स। कुछ सिद्धांत हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया गार्डन बना लेंगे। तो दीज आर द प्रिंसिपल नॉलेज ऑफ द प्लांट्स, पौधों के बारे में जानकारी होना, इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ, वी शुड नो द टाइप ऑफ द प्लांट, हेदर इट इज हर्ब श्रब और ट्रीज एंड हेदर इट इज शेड लविंग प्लांट और सन लविंग प्लांट, धूप में उगाने योग्य पौधा है या छाए में पौधा है, एंड इट्स ग्रोथ हैबिट, हाउ इट इज ग्रोइंग, एंड हेदर इज डिसीडियस ट्री आर एवरग्रीन प्लांट। तो इसके हिसाब से हमें प्लांट लगाना चाहिए। तो प्लांट का नॉलेज, वी हैव टू नॉलेज अबाउट द प्लांट। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द सॉयल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉयल, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ड्यू ग्रो बेटर इन पोरस सॉयल, बेस्ट सॉयल फॉर मोस्ट ऑफ द गार्डन। तो वी हैव टू नॉलेज ऑफ द सॉयल, वेदर इज ए डिस्ट्रिक सॉयल आर एल्कलाइन सॉयल आर देयर इज
what is the quality of the soil, we should know about that. Cultivation of soil, this is the process of digging the soil. In the summer season, we can sterilize the soil by open in for the sun. तो धूप में हम लोग खोल करके उसके जो इंसेक्ट हैं वगैरह वो डेड कर लेते हैं. तो इस प्रकार से कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, मोस्ट ऑफ द सॉइल आर मेक क्वालिटी सॉइल बाय डिगिंग. जब उनकी हम पलोराइज करते हैं तो निश्चित रूप से टिल्थ कंडीशन में आ जाती है, तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में हो जाती है बाई मिक्सिंग देम ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा. कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर सरफेस सॉइल इज बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एनुअल्स. अगर एक वर्षीय पौधे हम ग्रो कर रहे हैं तो सरफेस सॉइल, क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट जो है सरफेस सॉइल में, सतही सॉइल में मौजूद रहते हैं. अगर 40 सेंटीमीटर से कम सरफेस सॉइल है गुड कंडीशन में, तो निश्चित रूप से देयर विल बी स्टार्वेशन, वो पौधे भूख से मरने लगेंगे. चेंज टॉप सॉइल लेयर फ्राम टाइम टू टाइम, हमें जो ऊपरी सतह है सरफेस सॉइल शुड बी चेंज फ्राम टाइम टू टाइम, क्योंकि सब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीज्ड कंडीशन में पहुँच जाते हैं. इसलिए हमें सरफेस सॉइल को डिग करके सब सॉइल को ऊपर लाना चाहिए टाइम टू टाइम, और सरफेस सॉइल को नीचे कर देने चाहिए. नेक्स्ट, ड्रेनेज सरफेस, निश्चित रूप से If there is not a proper drainage, जल निकास का प्रबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से there will be rotting of the plants. जो water stagnation होगा और उसमें aeration ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हमारे plants जो है मर जाएंगे. इसलिए सरफेस ड्रेनेज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. दिस में भी टेकन बाई स्लोपिंग इन द कॉर्नर ऑफ द सॉइल, बीच में हमें ऊंचा कर लेना चाहिए भूमि को और नीचे ढलानदार बनाना चाहिए. तो इससे सरफेस सॉइल में ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा और हमारे जो वाटर स्टैग्नेशन है वो नहीं होगा. निश्चित रूप से हमारा गार्डन वेल मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट, ड्रेनेज सब सॉइल, जो वाटर स्टैग्नेशन है वो सब सॉइल में भी नहीं, इसके लिए हमें पाइप्स वगैरह डाल देने चाहिए नीचे एक भूमि में, जिससे हमारा जो सब सॉइल में है वो भी वाटर स्टैग्नेशन ना हो, पानी बह जाए आराम से. नेक्स्ट जो है, लाइट एंड शेड इन द गार्डन, रोशनी तथा छाया का प्रबंध गार्डन में करना चाहिए. अगर हमारे पौधे इंडोर प्लांट हैं, निश्चित रूप से हमें